गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में खनिज संसाधनों को देखा था कि खनिज संसाधन क्या होता है, खनिज संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं। हमने देखा था दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, फिर हमने तीसरा प्रकार भी देखा था, धात्विक अधात्विक खनिजों को देखा था, ईंधन खनिजों को देखा था। धात्विक में धात्विक के दो प्रकार देखे थे हमने, लोह खनिज अलोह खनिज। उम्मीद है आप सभी को वो समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। लेकिन अब जो हम एक एक खनिज को पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा टफ़ टॉपिक है, लेकिन उसको आसानी से समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको, और आप उसको समझने की कोशिश करना। कुछ जगहों के नाम हैं, क्योंकि ये खनिज अधिकतर जितने भी हम खनिज पढ़ेंगे, चाहे एल्यूमिनियम पढ़ेंगे, चाहे लोहा पढ़ेंगे, मैंगनीज पढ़ेंगे, वो सभी लगभग लगभग दक्षिण भारत में पाए जाएंगे। और दक्षिण भारत के कुछ ही राज्य हैं, जैसे ओडिशा हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो इनके जगहों के नाम आपको थोड़ा सा इधर उधर नहीं करना है, उसको उसमें आपको ध्यान देना है। बस इन्हीं राज्यों में अधिकतर खनिजों का भंडारण भारत का पाया जाता है। तो चलिए, हम पिछली कक्षा में जो है खनिज संसाधनों के अंतर्गत लौह खनिज को शुरू कर दिया था हमने। तो लौह खनिज के अंतर्गत हमने पहले मैग्नेटाइट प्रकार को देखा था, जो सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा होता है। चलिए हम दोबारा से शुरू करते हैं लौह खनिज, ठीक है। चलिए लौह अयस्क को हम पढ़ रहे हैं, शुरू करते हैं दोबारा लौह अयस्क। देखिए लौह अयस्क पढ़ने से पहले हमको दो तीन चीज़ें जान लेनी ज़रूरी है। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा कि एक तो होता है कच्चा लोहा, एक होता है ढलवां लोहा, ठीक है, और इसके अलावा एक होता है इस्पात, एक होता है पिटवां लोहा। ये चार कुछ प्रकार है लोहे के, ठीक है। एक होता है कच्चा लोहा, एक होता है ढलवां लोहा, एक होता है पिटवां लोहा, और एक होता है इस्पात। ये सभी लोहे के प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है, पहले ये देखते थे लौह अयस्क जो होता है, लौह अयस्क चूना पत्थर और जिप्सम, इन तीनों को क्या है, इन तीनों को पहले गलाया जाता है। इन तीनों को क्या किया जाता है, सबसे पहले इन तीनों को गलाया जाता है। इसके साथ एक चीज़ और गलाते हैं, जो चारकोल है, चारकोल, ठीक है। सबसे पहले इनको गलाया जाता है, गलाने का मतलब जलाया जाता है, तापमान दिया जाता है। तापमान देने के बाद उसको ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, कच्चा लोहा। ध्यान दीजिए लौह अयस्क चूना पत्थर चारकोल वगैरह को सबसे पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद इनकी कुछ अशुद्धियाँ दूर हो जाती है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, उसको कहते हैं हम कच्चा लोहा, ठीक है। इस कच्चे लोहे से कई प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। ढलवा लोहा जो है, ढलवा लोहा किसको कहते हैं, ढलवा लोहा जो कच्चा लोहा होता है, उस कच्चे लोहे में से अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। समझने की कोशिश करना, कच्चे लोहे में से क्या है, अशुद्धियों को निकाल दिया जाता है। तो सॉरी, कच्चे लोहे में से उसको जो है किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है, उस कच्चे लोहे को, कच्चे लोहे को किसी भी आकार, किसी भी रंग रूप में ढाल दिया जाता है, उसको कहते हैं ढलवा लोहा। इस ढलवे लोहे से अक्सर आपने देखा होगा जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, इस तरीके की कठोर चीज़ें, और जो मशीनें जुगाड़ वगाड़ आता है, सॉरी जनरेटर वगैरह, उसका जो तला होता है, तली, वो ऐसी चीज़ों से ढलवे लोहे से बनाई जाती है। उसको आप मोड़ नहीं सकते, उस लोहे को अगर आप मोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो कच्चा लोहा समझ में आ गया आपको, कच्चे लोहे में इनको गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है, कच्चा लोहा हो जाता है। ढलवा लोहे में क्या है, ढलवा लोहे में आप इन सब चीज़ों को, इनमें जो है किसी भी रंग रूप आकृति में उसको दे देंगे तो उसको ढाल देंगे, मतलब तो वो ढलवा लोहा हो जाएगा। पिटवा लोहा में क्या है, पिटवा लोहे में उस ढलवे लोहे में से जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उनकी, उन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। जितनी भी अशुद्धियाँ होती है, आप कभी चुंबक लगा के देखना गैस के सिलेंडर पे, इतनी ज़्यादा नहीं चिपकेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें लोहांश की मात्रा उतनी नहीं होती, पूरी तरीके से लोहा नहीं होता, अशुद्धियाँ होती है उसमें।
तो अशुद्धियों को जब दूर कर देंगे तो वो कौन सा लोहा हो जाएगा? पिट वाला हो। पिट पिट करके मार मार करके उसको अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है, या फिर उसको वात्यावट्टी में फिर वापस से उसको जलाया जाता है, गलाया जाता है, तो उसकी अशुद्धियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती है, पिट वाला लोहा। फिर अशुद्धियाँ दूर करने के बाद उसमें कार्बन मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? कार्बन। कार्बन मिला देने के बाद वो इस्पात बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। कच्चे लोहे में पहले ये तीनों को गलाया जाता है, इसको ठंडा करने के बाद कच्चा लोहा बनता है, उसको किसी भी रूप में डाल दिया जाता है तो ढलवा लोहा बनता है, पिटवा लोहा उसमें से अशुद्धियाँ दूर करने पर और उसमें कार्बन की मात्रा मिला देने पर क्या होता है? इस्पात बन जाता है। पहले ये देखनी जरूरी थी हमको। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, विश्व में देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार, लोहे के भंडार के मामले में विश्व में नंबर एक पर है यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन। अब आप पूछोगे सर यूक्रेन किधर है, क्योंकि नक्शा आता है, ध्यान रखना, आपके विश्व की ज्योग्राफी भी है उसमें भी आप पढ़ोगे, अलग अलग देशों में पढ़ोगे, महाद्वीपों में पढ़ोगे, आप एशिया में पढ़ोगे, यूरोप में पढ़ोगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका वगैरह सब महाद्वीपों को आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, तो उनमें भी आपको ये काम आएगा। यूक्रेन कहाँ है? विश्व का नक्शा बनाना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए, एटलस ले आइए, बाज़ार में मिलती है एटलस, एटलस नाम की एक बुक आती है वो देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एटलस लाइए ताकि आपको सही सही जानकारी मिल सके। एक इंडियन एटलस की भी आती है, वो भी अच्छी है, ऑक्सफोर्ड की बेहतर रहेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यूक्रेन देखिए कहाँ है। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश कहलाता है। ठीक है, यूरोप का वैसे सबसे बड़ा देश रूस ही है, जो एशिया का भी है, दुनिया का भी है, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो आता है वो यूक्रेन ही है। ठीक है, और ये जैसे ही एशिया ख़त्म होता है वैसे ही यूक्रेन शुरू हो जाता है, इतना बड़ा, पोलैंड और यूक्रेन दोनों पास पास में। ठीक है, चलिए, यूक्रेन सबसे ज़्यादा भंडार रखता है और सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन, और चीन में भी एक क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया। क्या है? दक्षिणी मंचूरिया। जो चीन में जितना उत्पादित होता है उसका लगभग 50% जो है लोहा उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं हम, देखिए आगे चलते हैं तो हम देखते हैं लौह अयस्क के कुछ प्रकारों को हम देख रहे थे पिछली कक्षा में। लौह अयस्क चार प्रकार के होते हैं, वैसे उन चारों प्रकारों को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे बेहतरीन किस्म का जो लोहा होता है वो होता है मैग्नेटाइट। क्या नाम है? मैग्नेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O4। क्या होता है? Fe2O4। यानी कि इसमें फेरस के यानी कि लोहे के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के चार परमाणु, अणु या परमाणु जो भी होते हैं वो आप देख लेना इसमें। तो ये इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है। इसको देखिए चुंबकीय लौह अयस्क भी कहते हैं, चुंबकीय लौह अयस्क इसका नाम है। ये इसका रंग जो है काला होता है। कैसा होता है? काला काला। चुंबक जो होता है ना, आपने चुंबक देखी होगी अक्सर, काली ही देखी होगी चुंबक, तो वो चुंबकीय गुण इसमें पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा शुद्ध प्रकार का लोहा यह होता है। यह जो है इसमें जो लोहांश की मात्रा जो होती है वो लगभग होती है 60 से 72% तक। लोहांश की मात्रा कितनी होती है इसमें? 60 से 72%, यानी कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। और ये लोहा कहाँ पाया जाता है? ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में, कुछ मात्रा में आर्कियन चट्टानों में भी पाया जाता है। ध्यान रखना है 4-5 बातें आपको इनके प्रकारों में लिखनी है, और चाहे तो आपने, मैंने डायग्राम आपको बनाना सिखा दिया है, डायग्रामेटिकली तरीके से भी लिख सकते हो आप लोहे के प्रकार। अब चार प्रकार है तो आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसा डायग्राम चाहे वैसा डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोहे के प्रकार चारों प्रकारों को आप 4 डिब्बे में लिख देंगे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है, इस प्रकार से आप डायग्रामेटिकली तरीके से भी इसको ड्रा कर सकते हैं। ये आकर्षक है और नंबर लेने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, और आपको याद रखने के लिए भी बेहतर रहेगा।
ये इन चट्टानों में पाया जाता है। लेकिन ये देखिए मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है वो भारत के केवल 5 राज्यों में ही सिमट के रह जाता है। भारत का कुल जितना भी उत्पादित होता है उसमें से 98% भारत के 5 राज्यों में उत्पादित होता है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा किधर होगा भाई? कर्नाटक में, लगभग 73%। ठीक है, 73% कहाँ होता है? कर्नाटक में। क्यों होता है कर्नाटक में? क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, सर्वाधिक वहीं पाया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्यों गुरुजी? अब आंध्र प्रदेश में इसलिए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी चट्टाने पाई जाती है? कुड़प्पा क्रम की चट्टाने पाई जाती है। कौन सी? कुड़प्पा क्रम की, सॉरी 72% है। और आंध्र प्रदेश में लगभग 13% हो गया। तो इन दो राज्यों में ही देश का 85% लोहा जो मैग्नेटाइट किस्म का है, सर्वाधिक सबसे बेस्ट किस्म का लोहा है, वो इन दो राज्यों में ही पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान है, इसमें 6% पाया जाता है। तमिलनाडु है, यहाँ 5% पाया जाता है। और गोवा है, ठीक है, यहाँ पर मात्र 2%। तो ये कुल मिलाकर के देश का 98% कोयला इन 5 राज्यों में ही पाया जाता है। ठीक है, ये इतनी बातें थी आपके मैग्नेटाइट प्रकार में, लिख लीजिए आप इसको, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हेमेटाइट प्रकार का लोहा, उतार लीजिए इसको फटाफट से। चलिए हेमेटाइट प्रकार का लोहा देखिए, हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार के लोहा क्या होता है देखिए, हेमेटाइट प्रकार के लोहा का सूत्र जो होता है Fe2O3, ये होता है इसका सूत्र Fe2O3, उसका O4 था, इसका O3 है। ठीक है, यह लोहा जो है ऑक्साइड है, यानी कि लोह ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, वो इसी को बोलते हैं लोह ऑक्साइड। इसका कलर अब देखिए, ऑक्साइड जहाँ भी आ जाता है ना तो वहाँ जंग लग जाता है लोहे में। इसका कलर कैसा होगा? लगभग लाल, लाल कलर का लोहा है, लाल से गेरुआ कलर इसका होता है। और ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट किस्म का दूसरी उच्च क्वालिटी है ये। सबसे बेहतरीन क्वालिटी कौन सी थी? मैग्नेटाइट प्रकार की, ये दूसरी उच्च क्वालिटी है। इसमें जो है लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है गुरुजी? लगभग 60-70% लोहांश की मात्रा इसमें पाई जाती है। यानी कि एक आप 1 किलो का पत्थर लेंगे, उसमें से 600-700 ग्राम आपको लोहा ही लोहा मिलेगा, बाकी अशुद्धियाँ हैं, अन्य धातुएँ भी उसमें मिल सकती है, मिट्टी भी मिल सकती है आपको, वगैरह वगैरह। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 60-70% तक इसमें क्या होता है? लोहा होता है। कुड़प्पा क्रम की शैलें और धारवाड़ क्रम की शैलें, कुड़प्पा और धारवाड़ क्रम की शैलों में सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भी कुछ राज्यों में ही सिमट कर रह गया है, कुछ राज्यों में ही इसका जो है भंडार पाया जाता है। वो कुछ राज्य कौन से हैं देखिए? एक तो है आपका ओडिशा, एक है आपका झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, और इसके अलावा कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक छत्तीसगढ़ वगैरह में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया, कितना प्रतिशत पाया जाता है देखिए, इसमें ओडिशा में देश का लगभग 34%, झारखंड में लगभग 33%, इसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 22%, कर्नाटक में लगभग 11%, और कुछ मात्रा में फिर गोवा में भी ये पाया जाता है। यानी कि ये भी दक्षिण भारत में ही पाया जाता है। इसमें पिछले वाले में केवल राजस्थान एक आया था, जो कह सकते हैं उत्तरी भारत का एक राज्य है, बाकी सभी राज्य कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। तो ओडिशा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है जहाँ 22% पाया जाता है, और कर्नाटक में 11% मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहीं पर ये सिमट करके रह जाता है। ये कौन सा प्रकार है? हेमेटाइट प्रकार, जो दूसरा प्रकार है इसका, ऑक्साइड है ये, यानी कि जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरे प्रकार का जो लोहा होता है, तीसरे प्रकार का लोहा उसको कहते हैं लिमोनाइट। ये जो है जलयोजन की क्रिया से बनता है, जलयोजन की क्रिया। जलयोजन की क्रिया का मतलब यह है कि यह लोह अयस्क
जो है जल के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता रहता है। तो इसका कलर पहले तो लाल होगा यानी कि ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड बनने के बाद कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा लगभग। इसका सूत्र बहुत लंबा चौड़ा है, इधर लिख देता हूँ मैं, 2Fe2O3 और 3H2O, ये इसका सूत्र है, 2Fe3O3 3H2O, यानी कि इसमें जल के तीन कण होते हैं, तीन अणु परमाणु जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सूत्र है। ये लिमोनाइट प्रकार का है, कैसे कलर का होता है, ये पीले कलर का। इसका रंग कैसा होता है, पीला, ठीक है, पीले कलर का, यानी कि ऑक्सीकरण होने के बाद ये धीरे 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 कैसा हो जाता है भाई, पीले कलर का हो जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है कितना वो पाया जाता है, तो लगभग 35-50% तक क्या पाया जाता है इसमें, लोहांश, 35-50% तक इसमें लोहांश पाया जाता है। और ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है भाई, सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है रानीगंज, कहाँ है ये, देश की सबसे बड़ी खान है ये लोहे की, कहाँ है, लोह अयस्क की, सॉरी कोयले की सबसे बड़ी खान है ये रानीगंज, ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में, रानीगंज पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये ओडिशा में भी पाया जाता है, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में ये यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट बातें कोई सी भी नहीं है, ठीक है। लिमोनाइट प्रकार का पीले कलर का होता है, ध्यान रखना, और इसमें लोहांश की मात्रा ये होती है। इसके बाद जो आखिरी प्रकार का है, सबसे घटिया किस्म का लोहा है, वो कौन सा है, सीडेराइट, क्या नाम है उसका, सीडेराइट, सीडेराइट। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, भूरा, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है भाई, भूरा कलर होता है इसका। और साथ ही साथ इसमें जो पाया जाता है लोहांश, वो कितना पाया जाता है, वो मात्र 30-40% तक पाया जाता है। लोहांश कितना पाया जाता है, 30-40% केवल, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है 2Fe3CO3, ये इसका सूत्र होता है 2Fe3CO3। अगर आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमारे रिलेटेड नहीं है, ज्योग्राफी से लेना देना नहीं है इसका, ये केमिस्ट्री की चीज़ें हैं, ठीक है। ये सबसे घटिया किस्म का होता है, घटिया किस्म का, और इस प्रकार के लोहे का उत्पादन ही नहीं किया जाता, ठीक है, इस प्रकार के लोहे का उत्पादन नहीं किया जाता। तो ये कुछ लोहे के प्रकार थे जो हमने देख लिए। अब लोहे का वितरण देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, अधिकतर किताबों में लोहा उत्पादन के मामले में, क्या, अधिकतर किताबों में लोहे का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक दे रखा है कर्नाटक में, कहाँ, सॉरी सर्वाधिक कहाँ दे रखा है, ओडिशा में, 34%। लेकिन नई जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 12 की, उसमें कर्नाटक को सर्वाधिक बताया गया है, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में देश में लोहे का उत्पादन होता है, कितना होता है, 24%, और ओडिशा में बता रखा है 22%। तो हमको पढ़ना किसके मुताबिक है, एनसीईआरटी के मुताबिक, ठीक है, एनसीईआरटी इसी को सही माना जाता है, ठीक है। तो 12वीं कक्षा में जैसा दे रखा है, आप 12वीं की किताब देख लीजिएगा, ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कुछ ज़्यादा मैटर लिखना हो आपको तो 12वीं की किताबें आप देख सकते हो, उसमें डिटेल से सारी जानकारी दी गई है, बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी की, बहुत आसान भाषा में है। और अगर आंकड़े आपको कहीं गलत लगे तो आंकड़े 12वीं के कक्षा के हिसाब से ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी को ही मान्यता प्राप्त है, एनसीईआरटी यही जो है परीक्षाओं का निर्धारण करती है, साथ ही साथ इसी के आंकड़े जो है मान्य देते, क्योंकि ये आंकड़े जो लेती है ये डायरेक्टली किससे लेती है, केंद्र सरकार का जो डाटा होता है, सालाना डाटा जो पेश किया जाता है, उसी डाटे के आधार पर ये किताबें छपती है। और अधिकतर किताबों में ओडिशा पहले स्थान पर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है भाई, कर्नाटक में, एनसीईआरटी के मुताबिक कितना परसेंट, देश का 24%, कितना, देश का 24% लोहे का उत्पादन कहाँ किया जाता है, कर्नाटक राज्य में। अब देखिए, कर्नाटक में कुछ स्थान हैं, उन स्थानों के नाम आपको याद रखने हैं, केवल उन स्थानों के नाम याद रखने हैं। अगर आपको थोड़ी सी डिटेल लिखनी है तो इन्हीं को आप लिख सकते हो, कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन यहाँ यहाँ होता है, यहाँ यहाँ
होता है इस तरीके से, ठीक है। भद्रावती नदी है, भद्रावती नदी उस नदी के किनारे। देखिए सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में बेल्लारी में होता है, आपने सुना होगा ये बेल्लारी जिला है एक। इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ याद रख लेना इनको, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ। बार बार में आएगा आपने क्योंकि आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है ये बारहवीं क्लास सॉरी फाइनल ईयर की क्लास में, तो आपके ये बार बार आने वाली चीज़ें हैं। तो अब भारत का भूगोल है, हो सकता है आप आखिरी बार पढ़ रहे हों, तो इसके बाद इस तरीके से आपको नहीं पढ़ाया जाए कहीं, कंपटीशन एग्जाम में अगर जाओगे तो वो कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो बाबा बुदन की पहाड़ी, बेल्लारी, इसके अलावा शिमोगा, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग, ये कर्नाटक के कुछ ज़िले हैं। इनमें कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन होता है, लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मालूम है विस्को विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, उसका भी यहीं पे कारखाना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मैसूर मिस्को बोलते थे पहले इसको, मैसूर इंडस्ट्री करके। इसके बाद दूसरे नंबर पर 22% के साथ देश का 22% लोहे का उत्पादन करता है ओडिशा। कौन करता है? ओडिशा। इसके जो ये नाम है, इन नामों को तो आप कत्ते ही रट ही लेना, ठीक है। कौन कौन से नाम है गुरुजी? मयूरभंज। क्या नाम है? मयूरभंज। इसके अलावा सुंदरगढ़, इसके अलावा गुरु महीसानी, सुलेपात, गुरु महीसानी सुलेपात, और इसके अलावा संबलपुर, संबलपुर और बरनाड, ये आप याद कर ही लेना, ठीक है। एक और है वो भी लिख लेना, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़। ये सभी कर्नाटक के क्षेत्र जिले हैं, जिलों के नाम है अधिकतर। इन सभी जिलों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है, ओडिशा में। इसके बाद नंबर तीन पर जो कब्जा किया हुआ है, नंबर तीन पे 19% देश का लोहा उत्पादित करते हुए, वो कौन सा है? वो है आपका छत्तीसगढ़। सॉरी मैं ऐसे लिखता हूँ छत्तीसगढ़ को, वैसे लिखना ऐसा चाहिए, छत्तीसगढ़। देश का 19% लगभग 18.92% दिया हुआ है किताबों में, लेकिन मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ आपको, 19% छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है, जिसमें से ध्यान रखिएगा एक ये जिला बस्तर। इस बस्तर जिले में बेला डीला की खान है। क्या है? बेला डीला की खान, जो एशिया की, बताया था मैंने आपको, एशिया की सबसे ज़्यादा यंत्रीकृत खान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यंत्र इसी में लगाए गए हैं, बेला डीला खान की सबसे बड़ी यंत्रीकृत एशिया की लोह अयस्क की क्या है ये खान है। इसके अलावा दुर्ग एक ज़िला है, यहाँ पर रायपुर है, इसके अलावा बिलासपुर है और बालाघाट है। ये कुछ ज़िले हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है किसको? लोहे को, ठीक है। इसके अलावा एक गोवा भी है, गोवा, गोवा में भी काफ़ी मात्रा में लगभग 14-15% देश का लोहा उत्पादित किया जाता है गोवा में। इसमें उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा, ये वाले क्षेत्र इसमें फेमस है। वास्को वगैरह यहाँ के क्षेत्र है, पणजी, वास्को, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, क्या नाम है उसका? छोटा नागपुर के पठार के आसपास के आएंगे, ठीक है, अधिकतर झारखंड। झारखंड में भी लगभग 12-13% लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके कुछ नाम आप याद कर लीजिएगा, सिंहभूमि, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा, चलिए मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, इसको मिटा देता हूँ मैं। झारखंड में लिखिए आप सिंहभूमि,
नोहा मंडी, नोहा मंडी, पलामू, साहिबगंज, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, क्या है गिरिडीह, यहाँ पे क्या होता है लोहे का उत्पादन होता है। कौन से राज्य हैं ये? ये भारत के सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाले राज्य है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, चार राज्य मैंने आपको बतलाए हैं, अभी तक पांच बतला दिए। कौन कौन से? कर्नाटक बतला दिया मैंने आपको, ओडिशा बतला दिया, छत्तीसगढ़ बता दिया, गोवा और झारखंड। इनमें से आपको मिस तो करना ही नहीं, कोई सा भी मिस नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा कुछ राज्य और है जिनको भी हम देख लेते हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण हैं, यहाँ भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, लेकिन ये आंशिक रूप से यानी गौण प्रदेश है, मुख्य प्रदेश यही है, ठीक है। महाराष्ट्र की चांदा जिला है चांदा और रत्नागिरी, ठीक है। चांदा और रत्नागिरी में क्या किया जाता है भाई? लोहा का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर और है आंध्र प्रदेश, आपने सुना है, हमने अभी धारवाड़ क्रम की चट्टाने की बात की थी, कुड़प्पा क्रम की चट्टाने यहाँ पे पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर कुरनूल, कृष्णा, गुंटूर जिला, खम्माम और नेल्लौर, यहाँ पे क्या उत्पादित किया जाता है भाई? लोहा, ठीक है। लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कुरनूल, कृष्णा, गुंटूर, खम्माम, नेल्लौर जिलों में किया जाता है। तमिलनाडु है, तमिलनाडु के तो आपको याद रहने ही चाहिए, क्योंकि ये भी बार बार में आएंगे आपको। तमिलनाडु का एक सेलम याद कर लीजिए, सेलम, यहाँ पे भी कारखाना लगा हुआ है लोहे पर। जब हम उद्योग पढ़ेंगे भारत के, तो इनको वापस भी थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। इन्हीं के आसपास लोह इस्पात उद्योगों की स्थापना की गई है, लोह और इस्पात उद्योग हम पढ़ेंगे तब। सेलम है, कोयम्बटूर है, तिरुनलवेली है, तिरुनलवेली के अलावा मदुरई है, ये सभी स्थान लोहा उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है ये सभी तमिलनाडु में है, ठीक है। इसके अलावा एक राज्य और लिख लीजिए आप, राजस्थान। कौन सा है हमारा? राजस्थान, ये चौथे नंबर पर है, यानी कि अन्य महत्वपूर्णों में है। यहाँ भी देश में कुछ मात्रा में क्या उत्पादित किया जाता है? लोहा, ठीक है। अब वो कहाँ कहाँ उत्पादित किया जाता है? जयपुर में सर्वाधिक किया जाता है, ठीक है। जयपुर है, उदयपुर है, इसके अलावा अलवर है, दौसा भी है और बूंदी, यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में लोहे अयस्क का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य है एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट मार लेते हैं। सबसे पहले ओडिशा है, किसके अनुसार? अधिकतर किताबों के अनुसार, लेकिन किसने माना है देखिए, कर्नाटक माना है एनसीईआरटी ने, कर्नाटक एनसीईआरटी ने माना है 24% देश का उत्पादित करता है। 22% के साथ जो है ओडिशा दूसरे नंबर पर है, इसके बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, फिर गोवा है, फिर और झारखंड है। अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा तमिलनाडु और राजस्थान। ये इतने राज्य आपको याद हो जाएंगे तो समझिए आप लौह अयस्क का वितरण कभी नहीं भूलोगे। इनके अंदर दो तीन नाम आपको कम से कम याद रहने चाहिए। कर्नाटक के अंदर शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर वगैरह याद रह जाएगा आपको। और इसके अलावा ओडिशा के अंदर का मयूरभंज, साहिबगंज, ये आप याद रख लेंगे, गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ वगैरह। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ही हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद गोवा में उत्तरी गोवा, दक्षिण गोवा, पंजाब पणजी, वास्को डिगामा वगैरह आपको ये याद रखने हैं।
फिर इसके बाद झारखंड आएगा। झारखंड में आपको ध्यान रखने का, झारखंड में सिंहभूमि, नवा मंडी वगैरह ये दो तीन याद रख लेना है। साहिबगंज, हजारीबाग, गिरिडीह ये आप याद कर लेना। साहिबगंज है, हजारीबाग है, धनबाद है, गिरिडीह, इनमें से एक दो तीन कम से कम आपको याद रह जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में दो ही है, महाराष्ट्र में चांदा और रत्नागिरी है। आंध्र प्रदेश के आप याद कर लेना, आंध्र प्रदेश में क्या क्या है, आंध्र प्रदेश में है कुरनूल है, गुंटूर है, इसके अलावा आपका कृष्णा है, ये सभी ठीक है। और फिर तमिलनाडु के तो आपको याद रह ही जाएंगे, सेलम है, कोयम्बटूर है, तिरुनलवेली है, और इसके अलावा मदुरई है, ये सब। और आखिर में हमारे राजस्थान के तो आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। राजस्थान का भूगोल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, उसमें आपने राजस्थान में खनिज पढ़ा होगा, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ा होगा। उम्मीद है आपका आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।